अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे पर लिख दी गई है, फर्ज कर दिया गया है सियाम, रोजा रखना फर्ज किया गया है। कैंसर का इलाज फास्टिंग में है और बुढ़ापे की इलाज इंसान को अगर रोजा रखे तो लॉन्जिविटी होती है। किडनी के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, लाइपिड के गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं और पूरे जो लाइपिड मेटाबॉलिज्म जो दवा खाते हैं स्टैटिन वगैरह ये तमाम को आपको आप दवा खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्टैटिन वगैरह जानते ही है स्टैटिन क्या होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, रमज़ान का एक अहम महीना आने वाला है, उसमें तैयारी करना चाहिए, हमें उसके लिए बेटर प्रिपेयर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अहम महीना है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है हमारे ये महीने आसानी से गुजरे तकलीफ़ के बिना। और अल्लाह ताला इस महीने को नमाज को और रात के तरावी की नमाज में रात के क़याम और तहज्जुद को कबूल फरमाने के लिए हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है इसमें फास्टिंग होती है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में बताया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ये जो वर्ड है कुतिबा है ये बहुत बड़ी वर्ड है, मैं उसे किसी इंग्लिश में भी या उर्दू के ज़बान में भी उसको मैं जस्टिफाई बराबर लैंग्वेज मैं नहीं लेके आ सकता। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे पर लिख दी गई है, फ़र्ज़ कर दिया गया है सियाम, रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है, जिस तरीके से रोज़े दूसरे उम्मतों में फ़र्ज़ किया गया है। आप लोग जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हर एक दिन छोड़ के रोज़ा रखा करते थे, और हर दिन में भी है, हर रिलीजन में है, हिंदू में भी है, क्रिश्चियंस में है, मुसलमानों में भी है। हालांकि अगर आप सोच के देखें ये पूरी रिलीजन जो आते हैं एक ही रूट से आते हैं, बाद में बदल गए हैं, तकत्ता ओ भाई ना हो तो बदल दिया गया है। तो फास्टिंग में जो मेन कॉम्पोनेंट होती है रोज़े में जो मेन कॉम्पोनेंट होती है फास्टिंग होती है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि कम खाना चाहिए, और खाने को कम खाने से क्या हो जाता है उसमें काफ़ी इंसान को काफ़ी फायदे हैं। उससे पहला नंबर वन क्या फ़ायदा होता है, ये एक साइंटिफिक टर्म जो यूज होती है उसको बोलते हैं ऑटोफेजी बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जो सेल जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, उससे ब्रेक होके प्रोटीन्स वगैरह ब्रेक होके कार्बोहाइड्रेट या और जो चीज़ें होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म करके आपके लिए एनर्जी के लिए यूज होता है। तो फास्टिंग रखने से दूसरी जगह जो जमे हुए जो चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अननेसेसरी जो एनर्जी बाकी हैं, फैट है, ये तमाम चीज़ें मेल्ट होके इंसान को काम में दूसरी फॉर्म में एनर्जी यूज़ होता है। तो आप खाने में यूज जो एनर्जी होता है वो यूज़ नहीं करते हैं, दूसरी जगह से मोबिलाइज होना पड़ता है। तो इसीलिए कम खाना है, ये नहीं हो रहा है कि सहरी में और इफ्तार में दबा के खाएं तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको साइंटिफिकली मैं बताता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स फास्टिंग के बारे में लिख दिया गया है, और कई लोगों ने इसमें नोबेल प्राइज भी अवार्ड लिए हैं। देखिए अब हम जैसे जमाने में रह रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन में रहे हैं। इन्फ्लेमेशन माने क्या है, एक बीमार है, हम कभी भी बीमारी में रहते हैं, कोई आदमी हेल्थी नहीं रहता है। इसका वजह क्या है कि हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारा जो खाना बन रहा है वो ठीक नहीं है,
जो प्रोसेस जो वेजिटेबल बनते हैं, जो प्रोसेस जो गोश्त बना जाता है, वो खाने का तरीका किसके में मालूम है कि कैसे बनाना है। इसके और क्या है कि बाहर का खाना जो होता है, तेलों से जो नुकसान होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नुकसान होते हैं, और जो हवा से जो नुकसान होते हैं, और कई लोग काफी दवाएं खाते हैं, दवाएं मेरे नजर में पॉइजन होते हैं। ये तमाम खाने से इंसान को ये कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन स्टेटस में इंसान रहता है। तो कॉन्स्टेंट जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसके क्या नुकसान क्या है, नेचुरली एक इंसान को चाहिए, इंसान का वजन क्या है उससे डिफेंस में आता है। डिफेंस में क्या स्टेरॉइड हार्मोन आ जाते हैं, इंसुलिन हार्मोन आते हैं, ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं, इंसुलिन जो बढ़ जाता है इंसान को, मेरे ख्याल में मैं सबसे बड़ा दुश्मन इंसान के जिस्म के लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस है। और उससे नतीजा क्या है, लीवर बड़ा हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस से हार्ट खराब हो जाता है, ब्रेन की बीमारी आ जाती है, किडनी की बीमारी आ जाती है, रगों की बीमारी आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की बीमारी, तमाम बीमारी आ जाती है। लेकिन फास्टिंग रखने से, आप शुगर नहीं लेने की वजह से उससे काफ़ी फायदा आ जाते हैं, इंसान को कैंसर चला जाता है, यकीन आप जानते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मजाक में नहीं कह रहा है, कुतुबा अलैकुम सियाम, अरे बंदो क्यों आप लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग रोजे नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं बीमार हूं और जाके नसीहत लेते हैं, किसी और डॉक्टरों से जाके नसीहत लेते हैं जिनको रोजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ऐसे लोगों से जाके मशवरा करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला कहता है कुतुबा अलैकुम सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजों को मैंने फर्ज कर दिया है, अल्लाह के रसूल ने हमें मशवरा दिया कि रोजा रखो। तो कैंसर चले जाती है भाई, कैंसर का इलाज फास्टिंग में है, और बुढ़ापे की इलाज इंसान को अगर रोजा रखे तो लॉन्जिविटी होती है, किडनी के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, लाइपिड गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, और पूरे जो लाइपिड मेटाबॉलिज्म जो दवा खाते हैं स्टार्टिंग वगैरह, ये तमाम को आपको आप दवा खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग वगैरह जानते ही है स्टार्टिंग क्या होता है, जहरीले दवा है ये सब, इंसान को पूरा जिस्म, पूरा लिवर, पूरे तमाम चीजें खराब कर दी जाती हैं। ब्लड प्रेशर की टैबलेट उठा लीजिए, डायबिटीज की टैबलेट उठा, ये तमाम चीजें खराब कर देती हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने हमें बताया है कि आके ये रोजा रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करने चाहिए, खाना कम खाना चाहिए। लेकिन हमारे खाने में कम नहीं होता है, हम लोग सहरी में भर के खाते हैं, इफ्तार में भर के खाते हैं, इफ्तार में ऐसा खाते हैं कि ईशा की नमाज में जाते हैं कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इमाम क्या पढ़ रहा है उसको मालूम नहीं, क्या भी नहीं मालूम है। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने यही पॉइंट लाना चाहता हूं कि फास्टिंग तो रखना ही है, ये तो कुतिबा अलैकुम सियाम, अल्लाह ताला कहता है लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून, मैंने तुम्हारे लिए किताब लिखा है उसमें फीही ज़िक्रुकुम तुम्हारे लिए नसीहत है, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या बेवकूफ हो गए हो क्या तुम। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे ये किताब मैं तुम्हारी नसीहत के लिए मैंने लेके आया है, लेकिन हमारी ये है बदनसीबी है कि हम लोग कुरान को ना पढ़ते हैं ना उसको समझते हैं। तो मेरे भाई बासो, ये साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि फास्टिंग इंसान के लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं कहेगा कि 30 डेज फास्टिंग रखो, लेकिन अगर हम लोग कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो उसका फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर आप समझो कि सुबह की सहरी में आके चावल और रोटी ये तमाम चीजें आप खाते रहेंगे तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर आप सहरी में अगर ज्यादा चावल खाएंगे, ज्यादा रोटी खाएंगे तो क्या होता है, इंसुलिन बढ़ जाता है, तो इंसुलिन जब बढ़ जाता है तो भूख ज्यादा लगती है, तो रोजा रखना मुश्किल हो जाता है और फास्टिंग का फायदा ही नहीं है। अब क्या फायदा है, चूंकि बेकार भूखे हैं, पूरा खा लिया सुबह में, तो खा लिया पूरा कैलोरी, जितना 1400 कैलोरी तो खा लिया आपने, तो फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है, साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको चाहिए कि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वेदर इफ्तार में हो या सहरी में हो, कैलोरीज कम खाना चाहिए। जो मेन कैलोरीज आते हैं मीठे में आते हैं, चावल में आते हैं, रोटी में आते हैं, ये तमाम चीजों में, नूडल्स में आते हैं, ये तमाम चीजें बंद करना चाहिए रमजान के महीने में। आप ले सकते हैं सहरी में प्रोटीन का डाइट ले सकते हैं, अच्छी तरह ले सकते हैं, और इफ्तार में भी प्रोटीन देंगे। ये समोसे का जो चल रहा है, लाखों समोसे बेचे जा रहे हैं, काफी तेल में, तो किस तेल में वो तल रहे हैं, क्या गोश्त यूज करते हैं, वल्लाहु आलम क्या यूज करते हैं, ये सब बंद कीजिए। एज अ डॉक्टर मैं देखता हूं,
मैं देखता हूँ हमारे मेरे जो पेशेंट रहते हैं तमाम को इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, तमाम को लिवर फैटी लिवर होता है, और हर शख्स ये हमारे पास जो आते हैं डायबिटीज के साथ, डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, ये तमाम चीज़ें हमारे उम्मत में, हमारे हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में कॉमन प्रॉब्लम है। इसका मेन वजह यह है कि हम लोग रोज़ा नहीं रखते। अगर अल्लाह के रसूल जिसने जैसे कहा कि मंडे थर्सडे अगर कोई रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, जब तक वो मुशरिक ना करे, जब तक वो किसी भाइयों से लड़ाई ना करे, तो उसको मैं जरूर माफ करूंगा, अल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हज़रत अबू हुरैरा को बुला के बताया, अबू हुरैरा क्या मैं तुमको एक अच्छा अमल ना बता दूं? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बताया, अरे खलील मुझे बताओ क्या है? तो अय्याम में 20 का रोजा रखो, 13, 14, 15 का रोजा रखो। अगर हम महीने के 11 रोजा रखें, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें, मैं गारंटी से मैं कह सकता हूं आपका डायबिटीज चला जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस चला जाएगा, आपका फैटी लिवर चला जाएगा, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट चला जाएगा, किडनी प्रॉब्लम चला जाएगा, डिमेंशिया चला जाएगा। ये तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ फास्टिंग है। सिर्फ फास्टिंग नहीं है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करना है, चावल नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, मीठे नहीं खाना है, अननेसेसरी फ्रूट्स, जो मीठे जो फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खाना है, ज्यादा फ्रक्टोस का यूज मत, ज्यादा मत यूज कीना करना चाहिए। तो मेरे भाई दोस्तों, इस अमल को आप रखें और लोगों को भी एजुकेट करें। प्रोटीन का, जिनको प्रोटीन का, अगर किडनी का प्रॉब्लम है, कोई लीवर का प्रॉब्लम है, वो तो प्रोटीन तो ज़्यादा यूज़ नहीं करे, वो अपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डायबिटी के मरीज, मैं बोलता हूँ कि अगर आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करें, बिलीव मी, अगर आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करें तो आपके दवाएँ पूरे आप आधा को आधा कर सकते हैं, रोज़ा आसान से निकाल सकते हैं मेरे भाइयों। तो मैं इससे कंक्लूड करता हूँ कि अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला ऐसे ही बातें नहीं कहता है। हमारी जहालत यह है, हम कुरान को ना पढ़े और कुरान को ना समझे, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुतिब अलैकुम सियाम, आप पर एक रोजे को मैंने फर्ज कर दिया है। लेकिन बात यह है कि हम लोग रोजे के रखने की वो हमारे पास वो जो जस्तजू नहीं है, हमारे पास हिम्मत नहीं है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मैं इतनी दवा खाना है, मुझे क्या करना है। अक्सर मेरे पास, मैं तो सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास आते हैं कि गैस बढ़ जाता है। गैस कभी भी रोजे से नहीं बढ़ता है, कभी भी रोजे से नहीं बढ़ता है, हालांकि गैस कम होता है। जितना आप कम खाओगे उतना गैस कम होगा। जहाँ तक हो सके पेट को एम्प्टी रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस रोज़े से तमाम फ़ायदे, हेल्थ वाइज भी, दीनी हिसाब से भी हमें फ़ायदा पहुँचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।